नमस्कार, आपके साथ मैं रश्मि शर्मा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से, और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। तो मानसूनी बादल तमाम राज्यों पर, कई राज्यों पर मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। मैदान हो या फिर पहाड़, मुसीबत बादल फार नजर आ रही है। और ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त हम हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, और यहां पर आप देख सकते हैं भयंकर लैंडस्लाइड हुई है, वो भी एक ऐसी सड़क पर जिसे इस इलाके की बैकबोन कहा जाता है। सोचिए जरा, ये रास्ता पीछे मैक्लोडगंज की तरफ जा रहा है, और बीच में ये मुख्य सड़क के टूटने की वजह से जो 4 किलोमीटर का रास्ता था वो 10 से 15 किलोमीटर तक आगे बढ़ गया है। हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि इस मुसीबत की सड़क को, जो सड़क टूट गई है, जिसे एक टूटी हुई बैकबोन कहा जा रहा है, यहाँ पर इलाके के लोग कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिंदगानी है, चलती रहेगी। ऐसे में हम आपको पहले बता देते हैं कि हमें बस यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितनी चुनौतियां हैं और कितना संघर्ष है पहाड़ों के लोगों के लिए यहाँ पर जीवन यापन करना। ये खड़ा डंडा रोड है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका, यहाँ पर डीसी का आवास है, साथ ही साथ न्यायाधीश का आवास है, और साथ में लगता हुआ एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में तिब्बती लोग रहते हैं, और एक टूरिज्म के हिसाब से भी सैलानियों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। और ऐसे में ये जो मुख्य सड़क टूट गई है, तो सोचिए ज़रा परेशानी कितनी बढ़ गई। और हम आपको बता दें, ये फिलहाल यहाँ पर मलबा हटाने का काम नहीं चल रहा है, ये कुछ मजदूर हैं जो केबल हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है धर्मशाला में। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले 64 सालों का रिकॉर्ड टूटा है बारिश के मामले में, लगातार बारिश हो रही है, और इसलिए यहां पर मलबा हटाना बहुत मुश्किल है, चुनौतियों भरा है। तो लगभग 4 दिन हो गए हैं और ये मलबे जस के तस पड़े हुए हैं, और यहां पर एक मकान भी जमीन दोज हो गया। इलाके के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात करें, और हम आपको बता दें कि यहां पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से 25 अगस्त तक बारिश प्रेडिक्ट की गई है, कभी भी बारिश हो सकती है। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, और इन तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे राज्य में, अलग अलग राज्यों में मुसीबतों की बारिश आई हुई है, आफतों की बारिश आई हुई है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, और चाहे महाराष्ट्र हो। तो अलग अलग तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके पास है, और देखिए जरा कैसे इन राज्यों में मानसूनी बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी बात यह है कि मानसून खत्म होने को है, लेकिन मानसून जाते जाते भी लोगों को सता रहा है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के समझिए जरा आसमानी आफत कितना लोगों का जीना मुहाल कर रही है। मध्य प्रदेश हो या फिर उड़ीसा, हालात एक जैसे हैं। रेतीला राजस्थान भी पानी पानी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश के बाद गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो देखिए, इन राज्यों का हालात जी रश्मि, और जिस तरह से देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, इस समय इस मानसून के मौसम में किस तरह की एक आफत देखने को मिल रही है, और वो राज्य जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, कहा यह जाता है कि एमपी गजब है, लेकिन ये मध्य प्रदेश लबालब है। इस वक्त बारिश के पानी से किस तरह से ये पूरा लबालब है, यहाँ की तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में, यानी कि राजधानी के छोटा तालाब के पास यहाँ पर हम मौजूद हैं। बड़ा तालाब भी इसी तरह से लबालब भरा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 16 साल में इतनी बारिश हुई है यहाँ पर कि अब अगले मानसून से पहले ही उसने कोटा अभी से पूरा कर दिया है, और पिछले 24 घंटे के भीतर इतनी बारिश पिछले 16 सालों में नहीं हुई थी जितनी आज यहां पर देखने को मिल रही है। और सिर्फ भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत से जिले हैं जहां इसी तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भोपाल के आसपास की अगर हम बात करें तो राजगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, ब्यौरा में भी कुछ लगातार इसी तरह से मंदिर कई जगह डूबे नजर आ रहे हैं। कई और ऐसे जिले हैं जहां पर एहतियात के तौर पर आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया, हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से इस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए, लेकिन भोपाल में आज इस तरह के छोटे तालाब की तरफ से हम नजर डालें तो हम देखेंगे कि इस तरह का नजारा यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड बारिश की वजह से ये तालाब पूरी तरह से भर चुका है। 16 साल में इस तरह का इतना मूसलाधार बरसात का मौसम लोगों ने देखा है। एक ऐसी भी घटना जहां पर एक बड़ा सा क्रूज डूब गया था, हमारे सहयोगी लगातार इस तरह की रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, और न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर वन न्यूज चैनल पर लगातार किस तरह से इस बारिश के मौसम में
लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी है, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जबकि आज सुबह से भोपाल में बारिश कुछ थमी हुई है, लेकिन कल किस तरह से नजारा था भोपाल में, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या इस तरह की तस्वीरें इससे पहले भोपाल के लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखी थी और आज क्या ताजा हालात बने हुए हैं? प्रशांत, झीलों की नगरी में आप हैं, छोटी झील पर आप हैं, तो इस वक्त मैं बड़ी झील पर हूं। प्रशांत, बड़ी झील का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 16 साल में 36 घंटे में 14 इंच बारिश, दरअसल ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, ऐसा इसके पहले लोगों ने नहीं देखा। मैं सामने दिखाऊंगा, ये एक जो इसकी मिसाल सामने आपको मिलेगी, इस जो सामने क्रूज खड़ा हुआ है, ये जो क्रूज है भोपाल की बड़ी झील पर आकर्षण का केंद्र है और ये क्रूज इस समय डूबा हुआ है। और आप देखिए किस कदर लबालब तालाब भरा हुआ है, अपनी हद तक भरा हुआ है, और उसके बाद जो पानी की जो लहरें हैं वो आकर किनारे पर जोर जोर से आकर टकरा रही हैं। और देखिए ये सामने जो सारी जो बोट खड़ी हुई हैं, इन बोट को खाली किया जा रहा है। इतनी बारिश हुई थी प्रशांत कि देखिए यहाँ पर सारी बोट में पानी भर गया और ये एक तरह से बोट क्लब की गतिविधियाँ पूरी तरह से अब बंद कर दी गई हैं। और जब तभी खोला जाएगा जब ये पूरा जो रेस्क्यू है ये पूरा हो जाएगा, इसको क्रूज को ठीक किया जाएगा। ये लोग अपने अपनी जो नाव है उनको खाली कर रहे हैं ताकि दोबारा उनमें जो भी रिपेयर करना है वो रिपेयर करने के बाद दोबारा उसे बड़ी झील में उतार सकें। लेकिन प्रशांत, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसी वजह से जो प्रशासन है उसने भोपाल में, विदिशा में, राजगढ़ में, रतलाम में, तमाम जिले मध्य प्रदेश के हैं जहाँ पर आज स्कूलों में छुट्टियाँ घोषित की गई हैं। और लगातार इस तरह की खबरें मध्य प्रदेश के कई इलाकों से आ रही है। एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद करने का कई जिलों में फैसला कर दिया गया है, लेकिन मंदसौर में जिस तरह के हालात थे वो भी बेहद दिलचस्प, और पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश यहां पर लोगों ने देखी है। किस तरह के हालात थे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश, बाढ़ से हाहाकार। बाढ़ में डूबे मंदिर, डूब गए मकान। बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की हैं, जहां शिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया है। मंदिर में विराजमान शिव के करीब 7 फीट की मूर्ति पूरी तरह पानी में डूब गई है। यही नहीं, मंदिर में मौजूद कई प्रतिमाएं बाढ़ के पानी में डूब गई हैं और मंदिर भवन चारों तरफ से सैलाब के पानी से घिर गया है। बावजूद इसके मंदिर में पूजा जारी है, हालांकि मंदिर के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदसौर में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और भगवान पशुपतिनाथ एक बार फिर जलमग्न हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर है और जिसमें दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ ही तापेश्वर महादेव और सहस्रलिंग महादेव भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पूरी तरह से मंदिर परिसर चारों तरफ आप देख सकते हैं जलमग्न है और ये पास में ही शिवना नदी पूरे उफान पर है। पानी आने की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया है। हालांकि ऐसी मान्यता है कि नदी का पानी शिव का अभिषेक करता है और इससे इलाके में खुशहाली बनी रहती है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। सड़क पर सैलाब का कब्जा, कुदरत की मार से परेशान लोग। मंदसौर से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह सैलाब ने हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात अब और बिगड़ने लगे हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गांधी सागर बांध, अटल सागर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध के 19 में 10 गेट खोले गए हैं।
और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, भोपाल, रतलाम, बीना ऐसे इलाकों में सिर्फ यह हाल देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि देश के कई और ऐसे प्रदेश हैं जो इसी तरह की बारिश और आफत से जूझते नजर आ रहे हैं। सीधे हिमाचल प्रदेश आपको लिए चलते हैं। रश्मि हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। रश्मि, जहां धर्मशाला में आप मौजूद हैं, क्या कुछ और ताजा अपडेट? बिल्कुल प्रशांत, अभी जिस सड़क पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, दरअसल आपको टूटी हुई सड़क नजर आ रही है और मुसीबत इसलिए लोगों की बढ़ गई है। और काफी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है ये धर्मशाला के लोगों के लिए, एक इंपॉर्टेंट जगह, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि ये रास्ता मैकलॉडगंज की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक मशहूर टेम्पल भी है, क्योंकि सैलानियों का शहर भी इसे कह सकते हैं आप। और ऐसे में दिक्कतें कितनी बढ़ गई है, सबसे ज्यादा आप देखिए, ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सड़कों की क्या हालत हो गई। इन तस्वीरों को जरा देखिए, आप महसूस करने की कोशिश करिए कि कितनी भयावह, कितनी खतरनाक ये तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ होगा। कि देखिए, ये कितनी मोटी परत है और ये पीछे से नीचे से सारा हिस्सा आपको खाली नजर आ रहा होगा। ये दरारें देखिए जरा कितनी भयावह हैं, इन्हें देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर कभी इस तरह की सड़क रही होगी और यहाँ से गुजरना आम दिनों में कितना आसान था, सोचिए जरा। और ये जैसे ही हमारी नजर इस पर पड़ती है, हम भी बहुत अवाक रह जाते हैं कि आखिर क्या हालात है। और देखिए, सिर्फ ये सड़क नहीं है, सड़क किनारे काफी घर भी हैं और एक घर के जमीन दोज होने की भी खबर है। यहाँ पर जान माल का भी नुकसान हो रहा है, बड़ी बात यह है कि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है इस प्राकृतिक आपदा के दरमियान। सोचिए जरा कितने भयावह हालात हैं। और बड़ी बात यह है कि बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही है, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेस्क्यू करना भी, जो लोग कई इलाकों में फंसे हुए हैं, वो मुसीबत का सबब है। और बड़ी बात यह है कि इन मलबों